कंगना जी, बॉलीवुड की फिल्मों में एक से बढ़के एक ऐसे किरदार हुए हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपके दिलों में बस जाते हैं। वो आपका पैसा तो चुराते ही हैं, आपका दिल भी चुरा लेते हैं। सो ऐसे ही ठगों की एक जोड़ी को मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए बंटी और बबली। What is this happening? In front of my back. मैंने बोला बंटी और बबली, आप दोनों बबलियाँ आ गई। आपके बंटी कहाँ हैं? क्या है, आजकल बबलियों का जमाना है। आपके यहाँ भी तो एक बंटी थे जो बबली जी आ गई। बबली जी आ नहीं गई, बबली जी खा गई। वैसे भी अगर मैम सैफ सर को गायब कर सकती है तो मैंने भी सिद्धांत को गायब कर ही दिया है। बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आइए आइए प्लीज। हाँ। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू कपिल। कसम से आज जो मतलब जो होती ना ऑर्गेनिक हल्दी, उस कलर की जो आपने साड़ी पहनी, ऊपर से आपने ये जो नथनी पहनी है, वाह मजा आ गया। अच्छा आप सबको पता है बंटी और बबली जो पहला पार्ट आया था, बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। क्या कमाल का काम किया था आपने और अभिषेक सर ने। उसके बाद बंटी और बबली 2 जो आ रही है, 16 साल हो गया आई थिंक जी। तो ये स्क्रिप्ट 2005 में आई थी। हाँ 2005 में जी। तो स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही थी कि शर्वरी के बड़े होने का वेट कर रहे थे? एक्चुअली शर्वरी का बड़े होने का वेट कर रहे थे कि कब मेरे जैसे कोई खूबसूरत आएगी। तो सच बात यह है कि मतलब यशराज कभी भी ऐसी फिल्म्स का सीक्वल नहीं बनाते जब तक कि उनको एक जोरदार स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। राइट। और दिस इज बंटी बबली 2.0, मतलब एक नई कहानी है, बहुत ही अलग वे में है। इसमें और भी मजा है क्योंकि इसमें नए बंटी बबली है। तो जो मजा है वो दुगना है, वो दुगना दुगना है। हमें तो पहली में भी इतना मजा आया था, आपके गाने अभी तक हमें नच बबली कितना। अच्छा आपने बंटी और बबली फर्स्ट देखी है? ऑफ कोर्स देखी है। तब आपने सोचा था कि जिनको मैं बड़े पर्दे में देख रही हूँ उन्हीं के साथ ही आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? कभी नहीं। मतलब अच्छा कपिल आपने भी तो बंटी बबली देखी होगी। अरे मैम बिल्कुल, थिएटर में देखी हमने। तब आपने सोचा था कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे ऐसे? मैंने कभी नहीं सोचा था। ये ऊपर वाले का करम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऊपर वाले का करम है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। आप इतने पॉपुलर शो के इतने पॉपुलर होस्ट है, मतलब एक फिल्म हमारी बनती है उसके पहले ही बोला जाता है कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ेगा इस फिल्म के बाद। अरे थैंक यू थैंक यू। आपके आने से 4 चांद लग जाते हैं, हमारा शो और बड़ा हो जाता है। मैं एक तारीफ करना चाहूंगा आदित्य सर की। आदित्य चोपड़ा साहब क्या विजनरी आदमी है। उन्होंने आज तक यशराज बैनर्स में जिस जिसको लॉन्च किया है वो सुपर डुपर हिट हुआ है। और नजर देखो पार्क की नजर, बीवी भी चुनी तो रानी, ऐसे नहीं कि कोई कमला निर्मला, मतलब रानी। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जब आप कोई फिल्म करती हैं जी, तो स्क्रिप्ट अब आप खुद चुनती हैं कि वो आपके लिए चुनते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो मैं ही चुनती हूँ। घर में बॉस मैं हूँ। कहने की जरूरत है जी। वो अपने ऑफिस में बॉस है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है और इसलिए शायद मैं उनके प्यार में भी पड़ी कि वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे आज तक मुझे जैसे मैं बीवी हूँ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं, वो अब भी मुझे रानी मुखर्जी एज अ एक्ट्रेस एज अ स्टार देखते हैं। क्या बात। और जब भी एक स्क्रिप्ट आती है और अगर उनके डायरेक्टर ने कहा कि हमें रानी के पास जाना है कि रानी करेगी, वो सीधे बोलते हैं आप सीधे जाइए, सीधा स्क्रिप्ट सुनाए, अगर वो करती है तो अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है। अच्छा मैम आपको पता है शर्वरी अभी बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री में आई है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन हमने सुना है कि सोनू के टूटू की स्वीटी सोनू के टूटू की स्वीटी हाँ सोनू के उसी की ट्विटी। तो उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी आप? जी, बल्कि वो नहीं, बाजीराव मस्तानी, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की। क्या बात है।
अच्छी बात है यार, इतनी छोटी सी उम्र में संजय लीला भंसाली साहब के साथ काम कर लिया, यशराज बैनर्स के साथ काम कर रही है, और उसके बाद तो मतलब छक्का ही मारा, सीधा मुझे ही मिल गया। शर्मरी, जब तुमने एज एन एडी ज्वाइन किया था तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मतलब एक्टिंग? जी मैम बिल्कुल, मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक सेट पे कैसे एक फिल्म बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई थी, बहुत फनी स्टोरी है, मुझे मालूम नहीं था कि क्लैप देनी होती है, मुझे लगता था क्लैप करना है एक्टर्स के लिए। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि क्लैप एडी क्या होता है, एक सेट का माहौल कैसे होता है। और हम एक्चुअली एज एक्टर्स हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, पर एक बहुत बड़ा क्रू एक फिल्म बनाने के पीछे होता है, तो एक जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और वो आगे जाके भी मत भूलना जब तुम स्टार बनोगे। जी मैम बिल्कुल। अच्छा, इस फिल्म में रानी जो है वो मिडिल क्लास लेडी की भूमिका निभा रही हैं, तो मैम कुछ गृहणियों के सवाल हैं। हाँ। कि क्या आप जो मिडिल क्लास औरतों को जो नॉलेज होती है, मैं तो हूँ मिडिल क्लास, ये आपका बड़ा पन है? असल नहीं, मैं असल जीवन में भी मिडिल क्लास हूँ। वो अच्छी बात है, मैं जैसे मतलब पली बड़ी हूँ वही मैं रहूंगी ना हमेशा। नहीं वो तो है, पर मैं सोचता हूँ कि अब एक जिंदगी अलग है ना, फिल्में आप करती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कितनी नॉलेज रखती हैं इन चीजों की? सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल, डू यू हैव एनी आईडिया? गैस सिलेंडर 900 हजार तक पहुंच गया है, बट वेरी क्लोज। टमाटर जो होता है वो क्या भाव चल रहा होगा, एनी आइडिया? द भाव ऑफ द टमाटर, या व्हाट इज इट? अब वो भी तो चेंज होता रहता है, नहीं पता। मुझे तो इतनी बड़ी हीरोइन टमाटर को कहां भाव देती होगी। रानी, कभी आपने बर्तनों पे अपने नाम लिखवाए? मेरी मम्मी पहले होता था, लिखवाती थी, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत से ऐसे बर्तनों में मेरी मम्मी का नाम देखा हुआ है, बट आई डोंट डू इट नाउडेज, सॉरी। अर्चना ही लिखवाती है, एक दिन छोटी सी कटोरी ले गई, कहती इस पर नाम लिख दो मेरा, वो लिखना शुरू किया था, बताइए, कहती अर्चना पूरन सिंह, कहता है बड़ा डिब्बा लिख गया, इसी कटोरी पे नाम लिखवा रहे आप। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्या आम तौर पे जब गली मोहल्ले में जब रेडी लेके आते हैं सब्जी बेचने वाले, औरतें सब्जी खरीदती हैं, पैसे देती हैं, लेकिन एक चीज फ्री में मांगती हैं, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो कौन सी चीज होती है? धनिया या मिर्ची? वाओ, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि धनिया वो घास फूस है ना, तो वो फ्री में ही चाहिए, वो ऐसे उग जाता है। मुझे लगा एक्स्ट्रा थैली। अच्छा, आप इसलिए हाथ खड़ा किया था? ये भी मोस्ट औरतें जो किसी भी दुकान पर, सब्जी वाले की नहीं, किसी भी दुकान पर एक एक्स्ट्रा थैली मिलेगी। ये पता नहीं बेसिक नेचर होती है कि फ्री में थैलियों का करते क्या है लोग। पर आप ये जो बात बोल रही थी कि लोग एक्स्ट्रा थैली क्यों मांगते हैं, ये बात आपको सूट करती है? क्यों? ये जाती है अगर किसी दुकान पे इन्होंने 50 रुपए रेस्टोरेंट में कुछ खाया ना, उसकी 1.5 किलो सौंफ खा जाती है लास्ट में, सौंफ और मिश्री होती ना जो, वो चबा लेती है और वह दोनों हाथों में भर लेती है और जींस में भी डाल लेती है। हाँ, सारी सस्ती आदतें मेरे में ही है ना। एक बात कही गई है क्या? हमारे पूर्वजों द्वारा कि आत्मा जो होती है नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये होती है। अच्छा। सेम लाइक सोन पपड़ी। अच्छा, आई थॉट सॉफ्ट। सोन पपड़ी जो होती है ये ना तो कभी खोली जाती है ना खाई जाती है, ये आगे आगे चिपकाई जाती है, चिपकाई जाती है, और लोग देते भी बड़ा है, गिफ्ट में थोड़ी सस्ती भी होती है। आपने कभी अपनी सोन पापड़ी आगे किसी को चिपकाई? मुझे सोन पापड़ी बहुत पसंद है, I love सोन पापड़ी। आप खुद ही खा लेती हैं? खुद ही खा लेती हूँ, क्योंकि खाते ही वो गायब हो जाती है मुंह में। बिल्कुल कमाल है सोन पापड़ी, I love सोन पापड़ी। सेम यार। एक और बात मेरे मन में आ रही थी कि जैसे फिल्म में आप, आपके मन में जो जो है ना, जो कुछ भी आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, वो ही वाले नहीं, वो गया आज कपिल। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ शो पे कि मतलब ऊपर वाले की देन होती है जब किसी में कला होती है, और मैं तो समझती हूँ कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे डिफिकल्ट कला होती है किसी को हंसाना, क्योंकि रुला तो बहुत लोग सकते हैं, और आपके शो में स्पेशली ऐसे ऐसे एक एक कलाकार है, कलाकारा है, जो
यहाँ पे इतना हंसाते हैं और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड एंड टू पीपल कि आप हंसा सकते लोगों को, दैट्स अ ग्रेट थिंग रियली. और कोविड के बाद जो दो साल हमारे सबके गए हैं ना, आई थिंक ये शो से आई थिंक वापस एक जो होप है, एक हैप्पीनेस है, ये आप लेकर आए हैं. थैंक यू रानी मैम आपके फॉर योर काइंड वर्ड. मेरे दिमाग में ऐसे आ गए, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय आप फिर क्या करती थी? आप तो बैठ नहीं सकती, फ्री कुछ ना कुछ करने की आदत है. बस अधीरा की स्कूल, बस वही, और घर जैसे गृहस्थी संभालते सब लोग, वही. और बहुत समय मिला मुझे मेरे पति देव के साथ, क्योंकि वो तो मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ना, जो यशराज है वो उनका टेम्पल है, तो मतलब सुबह उठ के उनको भागना है उधर, बस मेरे हस्बैंड वहाँ भागते हैं रोज, तो वहाँ से उनको खींच के लाना पड़ता है वापस घर. हमें यकीन नहीं होता, पता है हम आपको सामने से देख रहे हैं. नहीं सीरियसली, हमेशा पर्दे पे देखा आपको, फिर बड़ा वो हो जाता है फिर वापस. मैम आप इस फिल्म में तो ट्रेन में सफर कर रही हैं, आप रियल लाइफ में कभी ट्रेन पे चढ़ी हैं? बहुत बार, मतलब बचपन में तो बहुत बार, क्योंकि मम्मी कलकत्ता से है जी, और मेरी जो पैदाइश ही है, मैं बॉम्बे में ही मतलब पली बड़ी हूँ, और मम्मी को अपने घर जाना बहुत मतलब वो मिस करती थी अपनी कलकत्ता. तो हर मतलब समर वेकेशन जो हम कहते हैं अप्रैल में, जैसे ही लास्ट दिन हुआ, मतलब मेरे पापा ने हाँ बोला ना बोला, हम लोग को गीतांजलि में फेंक के मुझे और मेरे भाई को अच्छा. सीधा कलकत्ता. तो हर छुट्टी में हम लोग कलकत्ता पहुंच जाते थे. वाह. हाय, हेलो सपना, कैसे ये कैसे चल रही है? मैं ना रात भर ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी कि हील पहन के रानी मैम के सामने आऊंगी. मैं हील तो लाना भूल गई, लेकिन चलना नहीं भूली हूँ. कितना अच्छा लग रही है ना, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है एकदम आज लेडीज स्पेशल लग रहा है ना. बबली स्पेशल. हाँ, आप दोनों, मैं भी लेडीज. अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, अर्चना जी आप भी तो लेडीज हैं. मैम, आप 50 लाख रुपए का छुट्टा मिलेगा क्या मेरे को? 50 लाख का छुट्टा कौन मांगता है? अरे वो यशराज की मालकिन है, 50 रुपए का छुट्टा थोड़ी मांगेंगे उनसे. अरे तेरे को मालूम है, इतने बड़े लोग हैं. रानी मैम पिछले हफ्ते सब्जी मंडी गई थी. अच्छा. इन्होंने 75 लाख रुपए के बैंगन खरीदे. 75 लाख के बैंगन? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आर्टिस्टों को भी हजारों रुपए में साइन करते हैं. आर्टिस्ट तो लाखों करोड़ में साइन होते हैं. सारे पैसे तो बैंगन में खर्चे हो गए ना, तो ऐसा बैलेंस भी तो करना पड़ता है गप्पू. तो आर्टिस्ट कुछ बोलता नहीं? बोल के देखे, फिर भड़ता उसी का बनता है. खैर सॉरी, मैं थोड़ा सा ना आने में मैं लेट हो गई थी. वो एक्चुअली ना पीछे में खड़ी थी, तो एक लड़का मेरे पास आया है, बोलता है मैं बंटी हूँ. मैंने ऐसा बॉक्स मारा ना उसको, मैंने बोला बंटी सिर्फ एक ही है, सैफ अली खान है ना. अरे वो सिद्धांत होगा. हाँ, यही नाम बताया था उसने. आपने मेरी बंटी को बॉक्स मार दिया. माय गॉड, मैंने सिद्धांत को बॉक्स मारा. सॉरी मैम, मैंने आपका बंटी तोड़ दिया. लेकिन मैम, एक ही पिक्चर में दो दो बंटी, ऐसा कैसे हो सकता है रे कपू? अरे बंटी और बबली 2 है ना, तो इसमें 2 बंटी और 2 बबली है. थोड़ी होता है, अभी सिंगम 2 भी आई थी, उसमें 2 अजय देवगन थे क्या? मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री का सब पता रहता है. हाँ, मेरी पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में है. अच्छा, वो अलग बात है, आजकल मैं फैमिली में नहीं हूँ. अच्छा, आप लोग तो कितने बड़े लोग हैं ना, कितना अच्छा लगता है. देखो अभी रानी मैम, इतने बड़े लोगों का ये एग्जाम्पल रहता है कि इनको हिचकी आई तो यशराज ने पूरी पिक्चर बना डाली हिचकी है ना. और एक मैं, मेरे को मैम लूज मोशन भी आते ना, कोई खिचड़ी तक नहीं बनाता मेरे लिए. तू बस यही सब बातें करने आती है ना? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ना, मेरे को ना मैम एक कंफ्यूजन था. अभी आप लोग तो फिल्मी लोग हैं ना, तो पिक्चरों में ऐसा बोलते हैं ना, प्यार में आशिक धोखा खाता है. तो मेरे को जानने का था, ये जो धोखा खाता है तो ये किसके साथ खाने का, मतलब पानी के साथ खा सकती है, कैसे? ऐसे सूखा भी खा सकती है? होगी तेरी फालतू की बात.
नहीं नहीं एक और फालतू की बात है मेरे पास में। अच्छा मैम, सब लोग बोलते रहते हैं कि इज्जत की रोटी खाओ, तो मैं इज्जत की रोटी तो खाती हूँ, उसके साथ क्या मतलब टिंडे की सब्जी खाऊं कि मैं अचार खाऊं, है ना? मतलब इज्जत की रोटी रहती है, इज्जत की कोई सब्जी नहीं होती क्या? सपना, तो फिल्म स्टार्स आए, कोई फिल्म की बात कर लेना। हाँ हाँ, फिल्म की बात करेगी ना। मैंने मैम आपकी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, मैंने आपकी सब पिक्चर देखी है। हाँ, आपकी एक वो पिक्चर थी ना, कहीं प्यार ना हो जाए जी। हाँ, उसमें मेरे को एक ही चीज अच्छी नहीं लगी। क्या? कश्मीरा शाह। घर भी जाना है आज। अगर मेरे भाई ने नसरुद्दीन शाह से शादी की होती ना, ज्यादा खुश रहता वो। सपना, कैसी बातें कर रही तू? अरे मैं तो सतीश शाह बोलने वाली थी, लेकिन फिर घबराहट होती ना, शाम को घर भी जाना रहता है हम लोग। आप ये देखो मैम, माँ मैं सच्ची बोलती हूँ, आर्टिस्ट का आप डेडिकेशन देखो, मतलब आपको हंसाने के लिए पूरी फैमिली बीच में ला रहे हैं। सपना, हाँ? शर्वरी पहली बार आई शो पे, क्या सोचे कि तुम्हारे बारे में? आपने मेरे जैसी हेयर स्टाइल बनाई है? हाँ, नहीं आपने मेरे जैसी बनाई है। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, मेरे को आपके बारे में सब नॉलेज है। अच्छा, आपके डैडी बिल्डर है ना जी? हाँ, तो कौन से जिम में जाते हैं? अरे बिल्डर मतलब बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, बिल्डिंग बनाते हैं। हाँ, तो मेरे को उसके लिए भी एक जानना था। हाँ। ये इधर अंधेरी में 2 BHK का फ्लैट कितने तक का मिलेगा हम लोग को? 5 करोड़ से नीचे नहीं आता आजकल। 5 करोड़? हाँ। नहीं, थोड़ा पीछे जाते हैं। ये मलाड में कितने तक का हो जाएगा उधर? 3-3.5 करोड़। 3.5 करोड़? नहीं, और पीछे नाला सुपारा में कितने तक का मिलेगा अपने को? 1.5 करोड़ तक। 1.5 करोड़? हाँ। इतना पैसा नहीं, ये 25,000 में कितना पीछे जाना पड़ेगा? पूछ के बताऊंगी। हाँ, बहुत परेशान हो गए। कप्पू मैं चलती हूँ। आज बड़ी जल्दी जा रही तो? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? मेरा ना इधर एक पार्लर था जो इसने तोड़ डाला और चिल पैलेस बना दिया। हाँ, तो फिर भी मैं मसाज छोड़ूंगी नहीं। हाँ, हमारे पास एक तारा रमपम मसाज है। तारा रमपम? इसमें क्या होता है? तारा रमपम उसमें क्या रहता है मैम, हम कस्टमर को ना ऐसे कड़कती धूप में खड़ा कर देते हैं। हाँ। तो फिर धीरे धीरे उसको चक्कर आने, उसको तारा नजर आने लगता है। जैसे तारा नजर आने लगता है, वो बेहोश हो जाते हैं। वो जैसे बेहोश होता है, उसके पर्स में से पैसा निकाल के हम लोग रम पीने जाते हैं। तारा रम। और हम लोग ना एकदम रम पी के टाइट होके आते है। हाँ। फिर उसको इतना प्रेशर से मसाज देते है कि उसका पंपम निकल जाता है। फिर आपकी एक और मैम फिल्म आई थी अय्या। हाँ। वो मसाज बहुत अच्छी है रे कप्पू। कैसे? उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के दोनों पैर पे तेल लगाते हैं और ऐसे करते हैं पैर, वो बोलता है अय्या, ऐसा खत्म हो जाए। मेरा जाने का टाइम, बाय। रानी मैम, आपकी फिल्म हम तुम में गाना था ना कि लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। ऐसी कंप्लेंट रहती है हमेशा लड़कियों को कि यार लड़कों में ये बात नहीं होनी चाहिए, या लड़कों को भी लगता है कि यार ऐसे ऐसे होता है। तो कुछ ऐसे मेरे सवाल हैं जो लड़कों के अक्सर होते हैं। कभी आदि सर अपना तौलिया खुद बांध के पूछते हैं आपसे, मेरा तौलिया कहाँ गया, मेरा तौलिया कहाँ गया? नहीं पूछते हैं? नहीं। कभी ऐसे टूथपेस्ट यूज करके इधर उधर उसका ढक्कन फेंक देते हैं? नहीं। वाओ, वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा अच्छा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बल्कि मुझे बोलते कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो अपने हिसाब से रखते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ। तो फिर अगले सवाल मैं रहन देता हूँ, क्योंकि वो तो सारे ठीक ही है। और मैं सब लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि अपने हस्बैंड्स को ऐसे छोड़ देना चाहिए, फिर पीछे 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 आते हैं। बहुत अच्छी बात करी आपने, ये बात रिपीट करके चलाई जाए, ताकि जिनकी बीवियां बार बार फोन करके पूछती ना हुआ नहीं तुम्हारा खत्म, उनको थोड़ा सीखने को मांगता है। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही कॉल जाता है दिन। अच्छा। में अगर रात को टाइम से नहीं आए, हेलो, यस आई हैव जस्ट लीविंग, बस फिर पहुंच जाते। रानी मैम, एक और मुझे सवाल पूछना था। जैसे ये फिल्मों में अक्सर होता ना कि लड़के घुटनों पे बैठ के फूल देते हैं जी, इससे वाकई में लड़कियां इंप्रेस होती हैं कि 10 रुपए गए फूल के?
एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की जो है अपने शौहर में या अपने बॉयफ्रेंड में एक चीज जो हर लड़की ढूंढती है वो एक अच्छा इंसान और अगर वो अच्छा इंसान फूल दे रहा है तो उसे बहुत खुशी होती है। वाह, तो मतलब अगर आप अच्छे इंसान हैं तभी फूल खरीदे, नहीं तो आपके वो 10 रुपए नहीं जाएंगे, कोई इंप्रेस नहीं होगा। रानी मैम एक बात बताइए, आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं, कमाल की एक्ट्रेस हैं आप, अगर कहीं हैं ही आप बिल्कुल, तो अगर कभी आपके ऊपर बायोपिक बननी हो जी, आपको क्या लगता है आपकी बायोपिक कौन अच्छे से निभा सकता है? कोई नहीं। वन एंड ओनली बबली ओरिजिनल, वन एंड ओनली रानी ओरिजिनल। क्या बात है, कुछ ऐसे सवाल हैं दर्शकों के हमें दे देते हैं तो मैं आगे जी? पूछ लेता हूं जी। कोई आप दोनों के लिए, शर्वरी आपके लिए भी और रानी मैम के लिए भी, कभी कोई रोल ना पसंद आया हो तो मना करने की बजाय बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए हो? नहीं, ये मैंने नहीं किया। अम्मू पे बोल देती हैं कि ये रोल मेरे को पसंद नहीं आया। जी जी जी, क्योंकि एक जो अच्छी चीज है हमारी इंडस्ट्री की, हमें साबुन तेल ये सब बेचने में बहुत पैसे मिलते हैं। तो फिर रोल के लिए नहीं करना पड़ता है। पैसे और रोल का क्या होता है कि एक फिल्म जो है वो हमेशा के लिए छप जाती है, जो आपके साथ जुड़ जाता है, आपके जीवन के साथ। बिल्कुल। तो उसको आप पैसों के साथ नहीं तुलना कर सकते। ये मेरा पहले भी था और अभी भी है। आप इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? सर रोल तो आने तो बहुत सारे, फिर बताती हूँ। ये पहली पिक्चर है। कभी किसी की झूठी तारीफ करके फंसे हो आप? नहीं, फंसी नहीं हूँ, बट झूठी तारीफ कभी कभी करनी पड़ती है। आप? सर कर दिए कभी कभी किसी की। हाय हाय। कभी किसी सीनियर एक्टर के आगे शॉट देते हुए आप नर्वस हुए? जी बिल्कुल। आपके साथ ऐसा हुआ रानी कभी? नहीं, एक्चुअली नर्वस तो नहीं हुई हूँ, लेकिन जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा इंटिमिडेटेड जी। तो जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था तब उनका एक जो पर्सनालिटी है, जिस तरह के मतलब हमने बचपन से उनकी पिक्चर देखी है, फैन है, तो जब वो सेट पे आते हैं तो एक माहौल ऐसा बनता है कि बच्चन साहब आए सेट पे एक्चुअली, एंड फिर वो कोशिश करते हैं कि हम सब थोड़े से नॉर्मल हो जाए, ताकि क्योंकि उनको पता है कि वो अमिताभ बच्चन है और हम सब उनको इस तरह से देखते हैं, तो उनका मतलब बड़प्पन है कि वो कम्फर्ट कर देते हैं जी, कम्फर्ट कर देते हैं सामने वाले को। तो अगर एक अगर मैं किन का नाम लूँ तो वो बच्चन साहब ही होंगे। वाह क्या बात है। नर्वस मैं आपको बता सकती हूँ जी, नर्वस हुई हूँ मैं आमिर और शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन्स करते वक्त। क्यों? गुलाम और कुछ कुछ होता है के टाइम पे, तब मैं खुद 16-17 साल की थी जी, और आमिर को और शाहरुख को बड़े पर्दे पे देखा था मैंने भी राइट। और उनकी QSQT कयामत से कयामत तक उनको देखते ही बहुत आमिर के लिए दिल ऐसा धड़का था, और शाहरुख को दिलवाले दुल्हनिया में देख के बहुत ऐसे मतलब हो, मतलब ऐसे होता है ना कि यंग क्रश right, जो right. क्रश बोलते हैं। तो उनके साथ जब मुझे रोमांटिक सीन करने का जब मौका मिला गुलाम में, तो मैं उनके जूते के लेस देख रही थी ऐसे नीचे, क्योंकि ऐसे मतलब मुझे डर लग रहा था कि मैं आंखों में देख लूँ तो प्यार ना हो जाए। तो फिर मुझे आमिर ने सिखाया था कि ऐसा नर्वस नहीं होना है, और ये फिल्म है, और आपको ऐसे आंखों में आंखें डाल के आपको रोमांस करना पड़ेगा, जैसे ही शॉट चालू होगा फिर आप नहीं कर सकते, आपको थोड़े कैमरा ऑन होने के पहले थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा। और फिर मैं इतनी सीख गई उनके साथ कि अभी एक पेड़ खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं उनसे भी रोमांस कर लूँगी। आपको पता मैंने ना एक फिल्म करी अब्बास मस्तान साहब के साथ जी, तो मेरी यही प्रॉब्लम थी, तो मेरे से फील ना आए तो मुस्तान भाई आए, कपिल ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारी बीवी है। और मैं सोचूं मुस्तान भाई आपको एक्सपीरियंस कैसे है, आपने तो खुद शादी नहीं की अभी तक तो। अच्छा, और फील के साथ भी आदमी तब पकड़े कि आप हाथ पकड़ते हैं किसी का कि अपनी बीवी फील करके, और मेरी थी उसमें चार। तो किसके किसके लिए फील तो पहले दिन में शाही हुआ, फिर मैं फैला पूरा। कभी ऐसा हो कि बहुत सीरियस सीन कर रही हो और आपकी हंसी नहीं रुक रही हो? बहुत बार हुआ है, वो जो मेरे हंसी का प्रॉब्लम है, एक बार छूटती है तो बंद ही नहीं होती। जैसे ना एक बार काजल मैम ने बताया कि वो DDLJ की शूटिंग के टाइम पे आदित्य चोपड़ा साहब डायरेक्ट कर रहे थे,
कह रहे थे कि वो अपनी जैकेट खोल के दिखाते हैं काजल को, और उधर सब किसेस हैं, और वो जिप की आवाज आती थी कर्र, तो वो सुन के काजल इतनी हंसी जाए कि उनका शॉट ही नहीं हो रहा था। तो वैसा आपके साथ भी होता है? बहुत बार हुआ है। एक बार जब मैं वीर ज़ारा कर रही थी, अच्छा जी, और शाहरुख के साथ मैंने हमेशा रोमांस किया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है, मतलब इतने प्यारे हैं। तो अब मैं फंस गई क्योंकि शाहरुख मेरे सामने थे, मतलब ओल्ड मैन, उनकी कुछ वाइट हेयर है और ऐसे ऐसे कुछ एक मतलब गेटअप था उनका जहाँ सफ़ेद बाल ऐसे आ रहे थे मुंह पे। अब मैं शाहरुख के साथ सीन करूँ तो मुझे अभी उनकी आंखों में देख के रोमांस करना है। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसे पिता वाली फीलिंग लानी है, उनको बेटी वाली फीलिंग लानी है, और वो हो ही नहीं रही हमसे, और दोनों से हमारे से नहीं हो रही है, और हम हंसे जा रहे हैं। फाइनली यश अंकल ने इतना डांटा हमें कि हम दोनों इतने घबरा गए कि हमने बोला कि नहीं, अभी हमें ठीक से करनी पड़ेगी। बट वो टाइम पे इतना मुश्किल हुआ था क्योंकि एक तो शाहरुख को मैं ऐसे, मतलब वो, मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी बुढ़े नहीं हो और वैसे ही यंग और एवरग्रीन रहे। बट वो फिल्म में बहुत तकलीफ हो गई थी उन्हें उस गेटअप में देख के मुझे। वाकई बड़ा मुश्किल होता है जिसको आपने हमेशा ऐसे ही देखा हो रोमांस, और आपके सामने वो ऐसे बने और मान नहीं रहे थे ना कि आप मेरा केस लड़ो। एक्चुअली यार आपकी जितनी फिल्में सारी कमाल ही है वैसे, जबरदस्त हिट, वाह क्या बात है। कभी ऐसा हुआ कि आप दो आर्टिस्ट का सीन चल रहा है और गलती सामने वाले ने की और आप पे इल्जाम डाल दिया, इनका फंबल हो गया था? बहुत बार होता है ना ऐसा। पहले होता था जब मैं नई थी ना, तभी होता था। अभी मजा ले कोई ऐसे बोले। कभी ऐसा हुआ है रानी जी कि आप बहुत पॉपुलर हैं लेकिन कई बार कोई फैन मिलता है ना तो वो घबराहट में ना, जैसे शाहरुख भाई ने मेरे को एक बार किस्सा सुनाया, पता नहीं यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे थे तो वो उनसे बातें करने लगे, सर ग्रेट फैन ऑफ योर्स, थैंक यू, और मतलब अक्षय साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फैमिली कितनी। तो शाहरुख भाई ने भी अक्षय कुमार ही लिख दिया विद लॉट्स ऑफ लव। तो कई बार लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसने बोल दिया? क्योंकि जब मैं और प्रीति जिंटा बहुत फिल्म्स करते थे तभी लोग कंफ्यूज रहे थे कि रानी कौन है प्रीति कौन है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, अरे प्रीति जी इतना मजा, जी थैंक यू, क्या क्या बोले, बोल नहीं सकते ना कि नहीं मैं रानी हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते। सबसे तो बुरी बात यह है कि जब कोई मिलता है आपसे और बोलते हैं अरे आप ऐसी हैं, वो तो फिल्मों में बड़ी दुबली लगती हैं आप। और कभी कभी ऐसे भी होता है, अच्छा कितनी लंबी नहीं है। नर्वस कर देते कभी कभी, घूरते रहते हैं आपको देख के। देखा है मैंने आपको कही। फिर अजीब सी कोई बात कर देते हैं, पर ये प्यार है लोगों का, इसी की वजह से हम हैं। बंटी और बबली जो है दो ठगों के ऊपर है और इसमें तो दो जोड़ियां हैं, ये लोगों को लूटते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने कभी किसी को ठगा हो? वो आप कम ही बताएंगे मुझे लगता है, लेकिन अगर आपको किसी ने ठगा हो तो वो भी आप किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो रानी मैम। हेलो सर हरी मैम। हेलो अर्चना मैम। माई सेल्फ लोकेश बंसल, आई एम फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा। सर मेरी लाइफ में भी एक इंसिडेंट हुआ। एक लाइन तो सारे याद कर लेते हैं, माई सेल्फ फ्रॉम मेद्र, आई एम फ्रॉम दैट, और उसके बाद हिंदी में आते हैं। जी सर मेरी लाइफ में भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मैंने ठगी टाइप कुछ किया था। आपने की? यस सर। इतने ऑनेस्ट हो यार, मान भी रहे आप कि क्या किया आपने? सर जब हम 12th क्लास में थे तो जो हमारा बॉयज का फ्रेंड सर्कल था, तो उस टाइम काफी साल पहले की बात है, तो स्मार्टफोन ज्यादा चलते नहीं थे, कीपैड फोन चलते थे। तो जब भी लंच ब्रेक होता था हम सारे फ्रेंड साथ में बैठ के बस यही डिस्कस करते, तेरी फ्रेंड लिस्ट में कितनी लड़कियां हैं, आज मेरे को उसने रिक्वेस्ट भेजी, उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। लेकिन एक फ्रेंड ऐसा था उसकी कोई भी लड़की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो हमेशा उदास रहता था। अच्छा। तो उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ प्लान आया, मैंने एक फेक आईडी बनाई एक लड़की के नाम से। किस लड़की के नाम से? पूजा के नाम से। देख लो रिक्वेस्ट भेजी, सूजा हुआ पूजा। मैंने उसके पास रिक्वेस्ट भेजी, वो खुश हो गया कि लड़की खुद उसके पास रिक्वेस्ट आई है, उसने फटाक से एक्सेप्ट की। फिर बातें शुरू हुई, थोड़ी ज्यादा बातें होने लगी, फिर हम क्लोज हो गए। फिर उसके बाद ठगी करने का प्लान आया, उस टाइम इंटरनेट बहुत महंगा होता था। हाँ। तो फिर मैंने उससे रिचार्ज कराने के लिए बोलने लगा कि कभी 100 का टॉप अप कर दे,
200 का, 500 का, ऐसे करके मैंने उसे 3000 4000 का रिचार्ज करा लिया. बस ऐसे तो समझ में आ रहा है बंटी बबली 2 हिट होने वाली है, क्योंकि काफी बंटी बबली घूम तो रहे हैं हर जगह. 4000 रुपया खर्चा कराया आपने, ऊपर से बेचारे का दिल टूटा. फिर बताया कि नहीं उसको आपने बाद में? नहीं, उसको पता चल गया था बाद में, एक साल के बाद. कैसे पता चला? वो एक्चुअल में यहीं पे बैठा है सर, वो फ्रेंड जिसके साथ में इंसिडेंट हुआ था. ये कहाँ है? कहाँ है? तभी आपसे दूर बैठा हुआ है. क्या हाल है भाई साहब, खड़े होके बताइए जरा. कितना बेचारा भोला शरीफ आदमी, 4000 रुपया उसका लगवा दिया आपने. नहीं सर, लेकिन एक बात हो रहा है जी, वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी. हाँ, तो जिस मोबाइल से मैं सब करता था, कुछ टाइम के बाद मैं मोबाइल स्कूल में ले गया था, वो मोबाइल वहीं खो गया उसी दिन. इन्होंने लिया होगा आपका मोबाइल? नहीं, इन्होंने तो नहीं लिया. नहीं लिया? दे दो उनका मोबाइल. इन्होंने पैसे ले लिए थे बाद में मेरे से. अच्छा, और कोई हमारे दोस्त अपनी ठगी? ये यस, इनको माइक दीजिए मैडम को. हेलो एवरीवन, हाय कपिल, माय नेम इज कल्पना एंड आई एम फ्रॉम बोरिवली. बिफोर आई स्टार्ट, मुझे ये कहना था आपसे दैट आई लव यू कपिल, लाइक यू आर ऑसम. मैं शर्मा जाता हूँ मेरे को कोई ऐसा बोलता है. एक्सप्रेशन क्या देने होते हैं. थैंक यू माय डियर. या एंड मैम, हेलो मैम, यू बोथ लुक गॉर्जियस. थैंक यू. सो मेरा किस्सा बेसिकली ये था दैट आई गॉट अ रैंडम कॉल सेइंग कि हेलो मैम, हम आपको स्टॉक मार्केट्स में टिप देते हैं, फॉर श्योर प्रॉफिट ही होगा, आप इतने पैसे भर दो. मैंने कहा ऐसे कैसे पैसे भर दूं, लाइक रिजल्ट्स क्या है. सो उन्होंने जो स्टार्टिंग में रिजल्ट दिए तो मुझे प्रॉफिट हुआ. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. सैफ सर की बाजार मूवी भी देखी थी तो आई वॉज टू एक्साइटेड कि अब तो हम भी बनाएंगे स्टॉक मार्केट में पैसा. अच्छा जी. टू एक्साइटेड मैं तो थी, फ्रेंड्स को भी बोल दिया पैसे रेडी रखना, जहाँ बोलो वहाँ इन्वेस्ट कर देना. सो हम सब रेडी थे. नेक्स्ट डे वी गॉट अ कॉल कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है. कैन यू इमेजिन, आई लॉस्ट 47,000 ऑन सिंगल ट्रेड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड एवरीबडी सॉरी. हद तब होती है जब वापस कॉल कर रहा है बंदा एंड ही इज सेइंग मी कि मैम वापस पैसे भरो, प्रीमियम सर्विसेज है, उसमें फॉर श्योर प्रॉफिट होगा. मैंने कहा तू फोन रख, मैंने उसको ब्लॉक किया. एट दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट कि वी शुड नॉट गो ऑन टिप्स एंड एवरीथिंग. स्टॉक मार्केट में खुद का स्टडी करो, नॉलेज लो, देन ओनली इन्वेस्ट. एंड फ्रॉम 3 years आई एम स्टडिंग इन स्टॉक मार्केट एंड फाइनली आई ओपन माई ओन फ्रेंचाइजी. सो अगर अभी आपको टिप्स चाहिए तो यू कैन. नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए. 3 years I worked with a research firm and then I have started a franchise now. So you can trust me. आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है. यही प्रेरणा देती है कि फोन कोई करे आपको, उसको मिलना चाहिए था, आपको बुलाना चाहिए था कि मुझे बड़ा फायदा हुआ, आओ मिलो मुझसे. उसको खुद को पता था कि ये लॉस हो रहा है. अच्छा, हाँ, तो भी शाना ही था ना. कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए. थैंक्स टू यू. शुक्रिया. अच्छा, एक और थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आई है, तो हो गई अपनी ठगी वाली बातें. आपको जैसे पता कि बंटी और बबली 2 में 2 जोड़ियां हैं, लड़का लड़की, लड़का लड़की. ठीक है, आपकी समझ क्या कहती है, लड़के ज्यादा ठग होते हैं कि लड़कियां? और भाई साहब ने हाथ खड़ा किया, इनको माइक दे दीजिए. और वो भी इतनी जल्दी. माथेरान से आया हूँ. अरबाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर मेरा चीकी का बिजनेस है माथेरान में. मिट्टी वाली चीकी लाया? यस मैम, बाहर है. बाहर है? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है माथेरान का चीकी. मैम है बाहर, ला के देता हूँ आपको. कई चिक्कियाँ जो दांतों से चिपक जाती है वो कौन सी होती है, जो ऐसे घुमा के निकालनी पड़ती है? वो हल्की में की होती है, उसमें क्वालिटी होते है सर. सर मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स ज्यादा ठग होती है. गर्ल्स ज्यादा ठग होती हैं? हाँ. क्योंकि ये आइडिया आपको किसको देख के आया? मैम को देख करने आया. अच्छा, वरना यहीं से पढ़ता. सर मेरे शॉप में जब होता हूँ तो ज्यादातर गर्ल्स आती है चिक्की खाने. हाँ सर. अच्छा, आने के बाद सब में पहले तो स्माइल देती है, मतलब बंदा बोल्ड हो गया. उसके बाद लेगी हाफ केजी, लेकिन उससे ज्यादा तो खाती है सिर्फ. टेस्ट देख लेती है. यस यस, फज दिखा, फज चॉकलेट का, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट का मिठाई. अरे मत बोलो, ऐसे मुंह में पानी आ रहा है. मैम लाया हूँ, आपको देता हूँ बाद में. तो खा लेती है, उसके बाद बोलती है, और पॉकेट नहीं होता है सर उनके पास, पॉकेट नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं. जाते टाइम बोलती है अरे सॉरी मैं भूल गए पॉकेट, तो मैं आपको ऑनलाइन कर देती हूँ पे. और सर चले जाती है और उसके बाद डायरेक्ट गायब हो जाती है, आती ही नहीं. इसके लिए गर्ल्स सब में ज्यादा ठग होती है. आप लेने क्यों देते हैं? तो आपके साथ एक बार मान लो ऐसा हो गया, यस, इसका मतलब ये थोड़ी सारी लड़कियां ठग हो गई. नहीं तो वो शातिर हुए या आप बेवकूफ?
तो जब आके घर वाले पूछते हैं बेटा ये चिक्की बेची सामान कहाँ गया, तो तुम भी दे दिया करो कि यही आया था, आप भी ले लो ये। मैडम कुछ कहना चाहती है आपके विरोध में? सर ये जो पहले तो नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, पीटो जाके, पीटो जाके। जी आप क्या कहना चाहेंगी इस विशेष मुद्दे पे प्लीज? सर एक तो ये जो चिक्की वाले भैया है वो खुद ही इतने, मतलब अब देखो भगवान ने दी तो शक्ल सभी लड़कियों के इतनी सुंदर है कि स्माइल करना बनता है ना। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि शॉप में जाके स्माइल नहीं करेंगे, और स्माइल करते तो इनकी गलती ये पे गलत है। और फिर यही लोग बताते हैं ना, मैडम ये भी टेस्ट करो, मैडम ये भी टेस्ट करो, मैडम ये भी टेस्ट करो। अब बताओ, इनकी गलती सर, सर सिर्फ बात नहीं करते, बात करेंगे यू बाल राउंड करेंगे, हंसेंगे, जानबूझकर स्माइल देंगे, यंग लड़का है सामने मेरे 21 एज है, जानबूझकर 20 ऐसे जानबूझकर खड़े रहेंगे। बंदा सर बंदा पिघल जाता है, बंदा गुड़ का बना होता है। नहीं देखो मैडम ने सही कहा, आप फिर क्यों टेस्ट कराते हैं बार बार ये भी सर, टेस्ट सर कराना पड़ता है, नहीं तो लेगी ही नहीं ना सर। वो बोलते हैं क्या टेस्ट कराओ, अगर नहीं बोलेगे तो निकल जाएगा। नहीं लेगी तो दिक्कत, और उसने खा के पैसे नहीं दिए तो दिक्कत, क्या करें, काम बदल लो फिर या तो। चिक्की जैसा दिल है आपका? मैं मोम का दिल है। आप काम करो, जब लड़कियां आए चिक्की लेने आपकी दुकान, उनको बोलो पहले मास्क पहनो। अंदर स्माइल करती रहे तुम अपना। हाँ करेक्ट, अपनी चिक्की ढिंकी चिक्की अपना। आपका क्या नाम मैडम? सर मेरा नाम भानुश्री है। भानुश्री आपने अपने तर्क जो है बड़े ही दलीलों के साथ रखे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू। और कोई बात कहना? जी ये बाल आपने सेट कराए कि पंखे में आए आपके? ऐसे भी देखती रहे सर। क्या नाम है आपका? सुनील है, मैं ओडिशा से आया हूँ सर। ओडिशा से? नमस्ते। अरे नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है जी। सर मेरे पास तो ऐसे कोई मुद्दा कुछ नहीं है, तो बैठ जाओ फिर। सर सर मैं रानी मैम का और आमिर खान सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। तो उनके साथ उनका गुलाम फिल्म का एक गाना गाना चाहता हूँ मैम। अच्छा, वाह स्वीट। हाँ प्लीज गाइए। आपको पता है जब पहली पहले सुना ना तो खंडाला तो हमें पता नहीं था कि मुंबई आए, उसके बाद पता चला, तो हम लोग कुछ और ए, सुन सुना हाथी का अंडाला, तो हमें लगता ना हम सुन रहे थे यार ये क्यों बोलते हैं हाथी का अंडाला, बाद में पता चला हाथी क्या खंडाला है। आइए आइए ब्रदर, बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने गाना यार, यहाँ बैठिए, आइए बैठिए बैठिए। तो कौन सा गाना सुन रहे? बैठी बैठी प्लीज। वाह, ऐश करेंगे और क्या, उसके बाद नहाएंगे भी। थैंक यू ब्रदर, बड़ा अच्छा यार गाना याद दिलाया आपने, आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चलना चलना बोलो कहाँ भाई, कहाँ कैसे हो अर्जुन अपूर्ण सिंह, सब ठीक है? सब ठीक है यार। शर्मा रानी मुखर्जी आएंगी तो मुझे बताना, मैं बड़ा फैन हूँ। अरे नमस्ते मैम, रानी जी अगर आएंगी तो आप भी मुझे ए, ए, ए। शर्मा ये रानी मुखर्जी है? हाँ तो। अरे यार तुम तो पहले बताना चाहिए, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं एक मिनट में चेंज करके आया, एक मिनट रुकिएगा, मैं अब भी आया चेंज। अरे ओहो, क्या चेंज करके आए आप? मैं कर अरे मैंने अपना रुमाल चेंज किया ना। इससे अच्छा आप अपना मुंह चेंज कर लेते। अरे नहीं वो पुराना वाला बड़ा अजीब सा रुमाल था, देखिए मैं येलो लाया हूँ विद स्ट्राइप, यू लाइक इट? बड़ा अच्छा है ये। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बैठी हूँ शर्मा, आइए बैठिए। आई एम अ वेरी बिग फैन, हाय सॉरी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में मैंने नया टीवी लिया, अच्छा नया फ्रिज, नया एसी, और कम से कम मेरे घर में इस वक्त 1500 से 1800 रुपए हैं। इनको क्यों बता रहे हो आप? ताकि ये मेरे घर में चोरी करें। भाई इतने सुंदर चोर होंगे तो कौन नहीं चाहेगा कि उसका घर लूट जाए। ये सामान आपको कम लग रहा है, मैं बहुत मेहनत करूंगा और सामान लाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरे घर में चोरी कीजिए। रानी जी मैं तो कहता हूँ आपका जो गिरोह है ना, गिरोह गिरो, इसमें मुझे शामिल कर लीजिए। अच्छा, बंट्री, बबली और एक और बी से कोई अच्छा सा नाम, बबलू, बबलू बूंदी का लड्डू,
ये सही। बूंदी का लड्डू नाम है। शुक्र है आदमी हलवाई नहीं है, वरना इसकी मिठाइयां होती रामू शामू बोलू। अरे भाई जरा आधा किलो राकेश तो देना। इसकी दुकान में ये सामान बिक रहा है। सुनिए, अरे वाली बोलिए बोलिए। आज हमारे घर में कीर्तन है। हाँ। आपका तबला मिलेगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं वकील साहब, वो असली के चोर थोड़ी है, उनकी फिल्म आ रही है। बंटी एंड बबली ट्रू ऑफ कोर्स। ये बातें मुझसे कहाँ छुप सकती हैं यार। अच्छा। मुझे सब पता है, मुझे तो आपकी वो जो फिल्म आई थी ना, कुछ कुछ होता है। आई लव इट। इत्तफाक की बात देखिए, टीना भी यहाँ है, मिसेस ब्रिगेंजा भी यहाँ है और शाहरुख खान भी यहाँ है। कहाँ शाहरुख खान? कहाँ शाहरुख खान? रानी जी मैं कुछ मंगवाऊं या आप ये सीताफल इनके सर पे मारेंगे? शाहरुख खान तुम? मैं शाहरुख खान नहीं लगता? नहीं। तुम तो कोई बड़ी वाली मेटाडोर लगते हो। मतलब मैं राजा बाबू भी नहीं लगता? चांद का टुकड़ा भी नहीं लगता मैं? कभी भी नहीं, चांद का टुकड़ा। मेरी माँ आज तक मुझसे झूठ बोलती आई है। चरवरी जी थोड़ा सा यहाँ पे आके बैठेंगे आप? क्यों यार, मुझे कंधा चाहिए रोने के लिए। तो कंधा मेरा तो भी इधर रो लो, मर लो। नहीं नहीं नहीं, इतना भी दुखी नहीं हूँ मैं। वैसे सरवरी जी, जी मैं आपके लिए, इफ यू डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। प्लीज इरशाद, इरशाद। इधर हो गए करिए, आपने पहले भी इधर अर्ज किया था, सारी जगह खराब कर दी थी आपने। अर्ज किया है आंखों से, वाह वाह, आंखों से तूने ये क्या कह दिया? What you say? आंखों से तूने ये क्या कह दिया? दिल ये दीवाना धड़कने लगा। ज्यादा मत ठोको, ये हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। उन्हीं का गाना चोरी करके रानी जी का, और उनको शेर बना के चिपका रहे हो आप। अच्छा तो बंटी बबली का नाम वो चुरा सकती हैं, मैं गाने में से दो लाइनें नहीं चुरा सकता। बनता। और चरवरी जी मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा। जी बताइए मुझे, किस करने से क्या डर चला जाता है? किस करने से? क्यों सिद्धांत जो है, मैंने कहीं उनके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था कि उन्हें पानी से बड़ा डर लगता है। अच्छा। फिर मैंने आपके फिल्म का प्रोमो देखा। पानी में जो तूफानी कर रहे हैं डरने के बाद। अच्छा। भाई डर नहीं होता तो पानी में ये लोग आग ही लगा देते हैं। नहीं लेकिन मैं ये बात जरूर मानूंगा कि पानी में किस करने से डर कम होता है, तभी तो सारी की सारी मछलियां ऐसे घूमती हैं। आप एक बार सिद्धांत के साथ पानी में कूद जाइए। आई विल अवॉइड इट। आपको क्या लगता है, ये धरती पर तो अभी आए, पे ये पानी वाले जीव ही हैं? हाँ, बीच में हाई टाइड आया था तो ये बाहर आ गए। मैंने लेकिन मैं सच में आपका फिल्म का वो देखा, आप लोग जो काफी चोरियां वोरियां कर रहे हैं, सामान बेच तो क्या रहे हैं, ताजमहल और पता नहीं क्या क्या बेच देते हैं। हाँ। तो मेरी एक हेल्प चाहिए थी मुझे आपसे। मेरे लिए लाल किला बेच देंगे आप? आपके पिताजी का है लाल किला? हाउ डिड यू नो? व्हाट? एक्चुअली लाल किला मेरे पिताजी का है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा लाल किला, ये किला है जो लाल है। मेरे पिताजी, या मेरे पिताजी जो है एक बार कुर्सी पे बैठ रहे थे, उन्होंने देखा नहीं पीछे किला पड़ा था, उस दिन जो ये किला लाल हुआ है आज तक लाल है। प्लीज इधर कहीं भेज दीजिए, मेरे पिताजी की पहली निशानी है, आखिरी निशानी होती है। नहीं वो अभी गए थोड़ी ना है यार, आखिरी क्यों? वो अभी जिंदा है, तो ऐसी छोटी छोटी निशानियां वो बहुत सारी छोड़ेंगे। वकील साहब आज तो हद कर दी आपने, मैं बता रहा हूं। मैंने नहीं की, वो इन्होंने की है, हद कर दी आपने इनकी फिल्म में। मैंने नहीं की है। रानी जी वैसे एक बात बताइए, आप यहाँ पे गाड़ी से आई होंगी ना? क्यों? क्योंकि चलते चलते तो ये फिल्म कर लेती हैं।
मैं आपकी उठने में हेल्प करता हूँ, आप जाओ। काम हो गए, आप जाइए यहाँ से। मैं वैसे भी जाना है मुझे, क्या है मुझे सोनी चैनल वालों के साथ मेरी मीटिंग भी है। किस बात की? वो लोग मुझे डांटने वाले हैं। क्यों? क्यों? वो लोग कहने वाले हैं मुझसे कि भाई रानी मुखर्जी आए, आपने उनके साथ डांस नहीं किया, मुझे थोड़ा डांटेंगे। अच्छा? बट इट्स ओके। लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे अचानक से कोई गाना बज जाए तो शर्वरी शायद आपको मेरे साथ डांस करना पड़ सकता है। जरूर, चलो। थैंक यू वेरी मच। व्हाट मूव्स किकू। ओ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रानी जी। जस्ट एक काम करे, तो नाड़ा अंदर कर ले। पहले एक मेरे को बात याद आई, एक नोटिस था आपके लिए। क्या? मेरे लिए? एंड इट्स वेरी सीरियस, इट्स अ लीगल नोटिस। अच्छा। इसमें साफ साफ लिखा है, वेयर इज बंटी एंड बंटी। लीगली अगर देखा जाए तो बबली जो है अपने बंटी के बिना ऐसे आ गई है। अधूरी 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 है, अधूरी है, पूरा करना इन्हें जरूरी है। अगर आप कहते तो मैं सोचती हूँ। पंटी को लेकर आइए जी, जरूर आइए, प्लीज लाइए, मजा आएगा। चलिए अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रानी मैम, ये अपना वकील है, फालतू में कर देता है केस वेस ना। मैं प्लीज, आप लोग अपने बंटियों को लेके आएंगी? आप चले, चलो चलो। अच्छा, पर आप जरा हमारे बंटियों को बताना मत हमें कौन करके आए थे उन्हें। नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। तो ऐसे प्रिटेंड करूं जैसे हम आए नहीं थे। मैं क्या, आई लव यू, मतलब आपको। आइए यहां से, मेरे बंटी के सामने मत कहना। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम रानी मुखर्जी एंड सैफ अली खान। सैफ सर, रानी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए, विराजमान हो जाइए। थैंक यू। सैफ सर का ये साल में ये तीसरा प्रोजेक्ट है, पहले तांडव किया, फिर भूत पुलिस, अभी बंटी और बबली टू। सर आप लगातार काम कर रहे हैं, आप वर्कोहोलिक हैं या फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर आप पे भी है? फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर नहीं, मुझे इस बात का डर है अगर मैं घर बैठा रहूं तो शायद और बच्चे हो जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा काम करता हूं। वेरी नाइस स्ट्रेटजी सर। यस, सो यू वांट नी कैप? अरे पिछली बार तुमने मेरे चश्मों के बारे में बोला था कि मैं जॉन्डिस वाले चश्मे पहन के, इस बार मैं टाइफाइड वाले चश्मे पहन के आया हूँ। फॉर सम सिक जोक्स। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना जी, वो इतनी मजेदार लगती है जब भी आपने साथ में काम किया। अच्छा, जब हम तुम में आपने काम किया और आज 16-17 साल बाद, आप दोनों को एक दूसरे में क्या बदलाव नजर आता है? पहली बार जब मैं सैफ को हम तुम में मिली थी तब भी उनके दो बच्चे थे, और अब जब मैं 2021 में उनको मिल रही हूँ बंटी बबली टू में, अभी भी उनके दो और बच्चे हैं। यार बच्चों की बहुत बात होती है इस शो पे। नहीं बट बहुत अच्छी बात है ना, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। आप एक्चुअली दोनों मुझे टच कर दो, शायद मेरी भी निकल पड़ेगी एक और टच। टच, गुड लक, ब्लेस यू, ऑफ कोर्स, गॉड ब्लेस यू 100%। आपको क्या चाहिए? मैं बताता हूँ, शुरुआत में जब हम काम करते थे तो हम दोनों यशराज के लिए कुछ 3-4 फिल्में कर चुके हैं हम लोग। मैंने तो, और पहले साथ में हम लोग चेक का इंतजार करते थे, लेकिन अब मैं अकेला इंतजार करता हूँ कि ये मेरा चेक कब साइन करेंगे। ये एक अच्छा चेंज आया है। एक एक सवाल अगर आप दोनों को एक दूसरे से पूछना हो तो क्या पूछेंगे आप? क्या पूछे आप? क्या पूछेंगे आप? पूछे जेंट्स फर्स्ट। तो पहली बार जब आपको पता चला कि आप मेरे साथ फिल्म कर रही हैं, तो आपने आईने के सामने खड़े होकर बोला कि वाओ, आई एम सो लकी, मैं सैफ के साथ फिल्म कर रही हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स रानी। और जब शायद आपने ये मौका पाया कि मैं रानी मुखर्जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आईने के सामने गए होंगे और बोलेंगे वाओ सैफ, तुम्हारी तो निकल पड़ी। मैं तो अक्सर वाओ बोलता हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश था, मैं थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि आप इतनी अच्छी और बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइंस और डायलॉग्स अच्छी तरह सीख के होमवर्क करके पहुँचना पड़ेगा, वरना मैं
सैफ हमारे इस फ्रेंचाइज में नए बंटी हैं जी, और बंटी के रोल में आना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी जो पहली बंटी बबली थी जी, उसमें मेरी और अभिषेक की जोड़ी को बहुत पसंद किया था ऑडियंस ने, और इस बार कोई रीज़न के लिए अभिषेक नहीं कर पाए पिक्चर जी। फिर ऑब्वियसली सैफ आए और उन्होंने हमारे फ्रेंचाइज को और चार चांद लगा, और चांद लगा दी हमारे फ्रेंचाइज में। लेकिन जिस तरह से सैफ ने राकेश की भूमिका निभाई है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनका जो राकेश है बहुत ही डिफरेंट है, और उन्होंने राकेश को एक अपना एक सैफ वाला फील दिया है जो कि कमाल का है। थैंक यू मैम। He was absolutely stunning. और आपने सबने देखा होगा सैफ की जो तोंद है जी। इस फिल्म में तो हमारे इस फिल्म में चार लोग हैं, मैं, सैफ, सिद्धांत शर्वरी और सैफ का तोंद। पांच। क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मेरे तोंद के अंदर एक बच्चा है, एक और। No more babies. नहीं नहीं, have more. You and Kareena make such beautiful babies. You have now. Of course I have. Yeah, bless. Yes, bless you. Yes. सब लोग bless करो। एक बात बताइए, ये वैसे बड़े शरारती हैं सैफ सर, मैंने देखा है इनका ह्यूमर बड़ा मजेदार होता है। ह्यूमर ऐसा होता है कि वो पोकर फेस से ह्यूमर करते हैं, मतलब सीधा फेस, तो कभी समझ में नहीं आ रहा है। जब आप फिल्म नहीं कर रहे होते जी, उस समय आप क्या कर रहे होते हैं? मैं थोड़ी अपनी जनरल नॉलेज एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ और वो डिगर होता है ना, हाँ, वो कैसा, मतलब सड़क कैसे खोदती है। मैं दिन भर देख सकता हूँ। एक महीने में तुम कितनी किताबें पढ़ लेते हो? I know you read a lot. एक महीने में मेरे पास बहुत किताबें हैं, लेकिन मैंने सब पढ़ी नहीं है। किस तरीके की बुक्स आपको ज्यादा पसंद है? नॉवेल्स, कभी कभी हिस्ट्री, अलग अलग चीजें, अलग अलग सब्जेक्ट, हर तरीके का पढ़ लेते हैं आप जी। रानी मैम, आप क्या करती हैं जब आप फिल्में नहीं कर रही होती? मैं अधीरा का ध्यान रखती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ, और जो स्क्रिप्ट्स होती है अगर कुछ इंटरेस्टिंग आए तो उनको पढ़ती हूँ। ट्रैवल करती हूँ बहुत मेरे हस्बैंड के साथ। सो या एंड नाउ ऑफ कोर्स फ्रॉम ये जो लास्ट दो साल जो कोविड था, हमारे बच्चों ने ऑनलाइन स्कूलिंग की, तो मैं अधीरा के साथ उनको ऑनलाइन स्कूल कराती थी, बिकॉज मेरी बच्ची अभी भी बहुत छोटी है। जब कोविड शुरू हुआ था तो वो नर्सरी में थी और अब वो किंडरगार्टन 2 में है। अच्छा, तो दो साल एकदम उनके साथ बैठ के ऑनलाइन स्कूल कराया उनको। wow. तो उन्हें कुछ मिले ना मिले, मुझे बेस्ट पेरेंट का अवार्ड तो मिलना चाहिए स्कूल। बिल्कुल मिलना चाहिए, और ये दो सालों में तो मिलना ही चाहिए सब पेरेंट्स को। अच्छा, आप दोनों का वो गाना था ना, सा, आपने फिल्म में इतना खूबसूरत तरीके से उसमें काम किया है। अगर मान लो मैं आपको सिचुएशन दूं कि सोफे बैठे बैठे उस गाने पे एक्ट करना है, मैं गाऊंगा, सॉरी मैं बड़ा बुरा गाऊंगा। This time you can go around the sofa. मूड के लिए ज़्यादा ज़्यादा मैं आपको लाइट दे सकता हूँ, हमारा जितना बजट है। डन। नहीं, बजट आपका बहुत है, आपका शो बहुत अच्छा चलता है। ये प्रॉप्स हैं। ये प्रॉप्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, बस यही अवेलेबल है। तो हम एक दूसरे को फ्रूट वूट बांटते रहे हम तुम में। हाँ, तो मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ, लाइट दीजिए। हाँ, लाइट। वाओ, क्या बात है, वाह। तो दोस्तों, हमारे एपिसोड का जो है वक्त वो अभी पूरा हो चुका है, लेकिन सैफ सर, रानी मैम यहीं पे रुक रहे हैं हमारे होटल चिल पैलेस में, तो कल आप आना मत भूलेगा। और एक बात और, फेस्टिवल का मौसम चल रहा है, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।